आपको पता है मैजिक तथा साइंस में क्या अंतर है? आओ पता लगाते हैं। साइंस लॉजिक देता है, पर मैजिक लॉजिक नहीं देता है। अब आओ समझते हैं तो साइंस जो है क्या, कैसे, क्यों, इन सबको बताता है। जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर ग्रेविटी के कारण गिरती है, क्या ग्रेविटी की खोज होने से पहले लोगों को लगता था कि कोई चीज ऊपर फेंको तो वह नीचे आती है, तो यह जादू है? नहीं, टोटली नहीं, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता था। सब लोग कुछ ऊपर फेंकते तो वह नीचे आता। अगर उन्हीं में से कोई कुछ फेंकता और वह नीचे नहीं आता तो वह जादू होता। जादू वही है जिसके पीछे का आपको कारण न पता हो। विज्ञान वह है जो आपको कारण बताता है। अब एक चुंबक लोहे को खींचता है तो सबसे पहले जिसने यह देखा होगा उसे आश्चर्य हुआ होगा। अब वह चुंबक को लेकर सबको जादू दिखाता सकता है, सबको जादू दिखा सकता है, और लोग चुंबक को लोहा खींचते देखकर कहेंगी, वाह क्या जादू है रे बाबा मुसाए। लेकिन कुछ साल बाद विज्ञान बता देती है कि चुंबक लोहे पर एक आकर्षण बल लगाकर अपनी ओर खींचता है। बस लोगों को जहां यह पता लगा, जादू खत्म। अर्थात अगर जादू के पीछे का कारण पता चल जाए तो जादू का मतलब खत्म। क्या आप मान सकते हैं कि हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है? अगर हाँ तो बताओ चुंबक लोहे पर जो आकर्षण बल लगा रहा है वह आकर्षण बल लोहे पर किस तरह से काम कर रही है लोहे को चुंबक तक पहुंचाने के लिए। देखो चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और चुंबकीय बल रेखाएं लोहे को खींच रही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किस तरह से, किस प्रकार से खींच रही हैं लोहे को, सोच कर कमेंट में लिखो। हर जादू के पीछे कुछ न कुछ तो कारण होता है। अब जैसे एक जादूगर ने एक जादू दिखाया कि एक डिब्बा है और यह खाली है, जनता देखी कि यह खाली है, अब उसने डिब्बा बंद कर दिया, फिर उसने उस डिब्बे को खोला तो उस डिब्बे में एक पंछी थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो जादूगर ने उस पक्षी को उस डिब्बे में किसी तरह से डाला तो होगा ही, लेकिन यह कारण जनता को नहीं पता है तो जनता को लगता है यह जादू है। पर जादूगर अगर कारण बता देता तो यह जादू होता कतई न। और आप समझो कि हर चीज़ के पीछे कारण होता है, हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिक तो होगी नहीं, उसके पीछे कुछ न कुछ तो लॉजिक होगा ही। जैसे चुंबक ने लोहे को खींचा तो चुंबक में से चुंबकीय तरंगे निकल रही थी, चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर उस पर जाकर किसी न किसी तरह से काम कर रही थी लोहे पर, चुंबकीय बल रेखाएं, और वही चुंबकीय बल रेखाएं लोहे को खींच रही थी। और जिसको नहीं पता होगा वो सोचेगा कि यह तो जादू है, कैसे हो गया। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ कि चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से उस पर काम कर रही थी, क्या कर रही थी कि लोहा चुंबक की तरफ खींचता चला आ रहा होगा। अब इसमें भी कुछ न कुछ तो कारण होगा कि चुंबकीय बल रेखाएं कुछ तो लोहे पर ऐसा कर रही होंगी खींचते वक्त, या जब खींच रही होंगी तो कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से लोहा खींचता चला आ रहा होगा।
जिसको बताएं, कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फॉलो करें।